चुनावी कार्यक्रम गढ़ 36 में आपने देखा था आपके अपन चैनल न्यूज 36। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हर लगिया गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीट में दो चरण में मतदान होना है। पहली चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 18 सीट में चुनाव 12 नवंबर के होगी तो उन्हें बाकी के 72 सीट पर चुनाव 20 नवंबर के होना है। पहली चरण के चुनाव पर नामांकन भरे जा चुके हैं और दूसरे चरण पर नामांकन भरे के सिलसिला 26 अक्टूबर ले चालू हो गए है जिन्हा 2 नवंबर तक चली। आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के सबले चर्चित सीट रायगढ़ जिला के खरसिया सीट के बारे में। वैसे तो यह सामान्य सीट है, फिर इस सीट ला कांग्रेस के अभेद गढ़ माने जाते हैं। काबर के आजादी के बाद अब तक यहाँ लगातार कांग्रेस हर ही जीत दाखिल करे। ए दारी यहाँ के सीट हर राजनीतिक गलियारा में काफी चर्चा में है। काबर के ए दारी यहाँ ले भाजपा सीट के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे है पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी। इला कांग्रेस के गढ़ कहे जाते नंद कुमार पटेल लगातार 4 गांव यहाँ ले विधायक रहे और ओकर बाद ओकर बेटा उमेश पटेल हा यह सीट ले अभी वर्तमान में विधायक है। उहे भाजपा के बात करी तब भाजपा पर भला ये महत्वपूर्ण हवे कबर के भाजपा के जाने माने कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल के है नगरी। ये गांव भाजपा ला पूर्ण विश्वास है कि उमन ए दारी कांग्रेस के ये अभेद किला ला भेदी। ओखरे बरे दारी ओपी चौधरी ला अपन प्रत्याशी बना के भाजपा हा बड़का दाव खेला। अन्य पार्टी के बात करी तब बसपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के गठबंधन होए के बाद दोनों के आपस सीट के बंटवारा हो गए हैं। ऐसे में ये दारी खरसिया सीट ले जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय जायसवाल बीएसपी के सीट में प्रत्याशी बनाए गए। अब ये खबर मिला थे कि विजय जायसवाल हा रविवार के कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल के समर्थन कर दिए। ऐसे में अब बसपा और जोगी कांग्रेस करा एक समस्या खड़े हुआ नजर आवा। अब देखना यह है कि विजय जायसवाल के बागी होए के बाद खरसिया सीट के उम्मीदवार पहला बनाए जाते। ये दारी फिर जोगी कांग्रेस के कोनो उम्मीदवार ला बसपा ले टिकट दे जाही धन बसपा हा अपने पार्टी के कार्यकर्ता ला टिकट देवाते। खरसिया के सियासी गर्मी हा आउ बढ़ गए लागत है जाड़ मघला यहाँ के राजनीति हा गर्मी भर। खरसिया हा रायगढ़ जिला के एक महत्वपूर्ण शहर है। एनटीपीसी जैसे उद्योग के कारण देश भर में एक अलग पहचान है। प्राकृतिक संपदा ले भरपूर यहाँ के कुल क्षेत्रफल 7,086 वर्ग किलोमीटर हवे। लगभग 14,96,000 के जनसंख्या वाला यह जिला 73% साक्षर है। जी हाँ, ये दारी लगभग 10,85,000 मतदाता हवे। राजनीतिक दृष्टि ले देखी तो ये जिला में 5 विधानसभा सीट हवे जिनमें वर्तमान में 3 सीट में भाजपा के कब्जा है, जबकि आउ जौन दूर सीट है खरसिया और धरमजयगढ़ वहाँ कांग्रेस के कब्जा है। अब देखना ये है कि कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाला ये अभेद किला खरसिया विधानसभा सीट ला भाजपा हा भेद पाही के नहीं। पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी जी का कमाल कर ही ये सीट में धुन कांग्रेस लगातार जीता दावत अपन रिकॉर्ड ला कायम राखी। इला तो आने वाला वक्त ही है बताई। जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के जम्मो रोचक जानकारी पर देखत रहो हमारे ये खास कार्यक्रम गढ़ 36। आप मन हमन ले कोनो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ सका था या हमर वेबसाइट www.news36live.com में जाके भी आप मन हमर चैनल ला देख सका था। प्ले स्टोर ले हमर चैनल ला आप मन डाउनलोड कर सका था। ओकर बर प्ले स्टोर में जाके News36TV टाइप करा और हमर ऐप ला डाउनलोड करा। हमर चैनल ला सीधा देख सका था। आप मन के सुझाव शिकायत और सवाल आमंत्रित है। आप मन देखत रहो आप मन के अपन चैनल News36। एकरे संग अब मोला देवा विदा। कार्यक्रम के आगू अंक में फेर मिलबो। तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।